टॉपिक पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन, उसके अंदर पढ़ना है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम। इसका इंट्रोडक्शन, पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड जानना है कि इस एक्चुअली इस एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, उसके बाद हमको डिस्कस करना है कि क्या होता है इसमें, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी क्या 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 है मान्यता या रिकॉग्निशन टू अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में इसको क्या क्या मानते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो उसके बेसिस पे हम आगे पढ़ते जाएंगे। बस हमको इतना ही इसमें पढ़ना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, कोई भी एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जैसे इसमें बोल रहा है प्रतिभूति बाजार नियमन, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन, हमने पढ़ा था सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। तो क्या बोल रहा है कि पहले इसको बता दी, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड टू रेगुलेट द वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इन 1956। कब आया था? 20 फरवरी 1957 को ये क्या हो गया था, फोर्स में आ गया था, और ये पूरे इंडिया में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया, बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया में अप्लाई नहीं होते। कहाँ होते हैं? जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये पूरे इंडिया में क्या होता है, इसको अप्लाई किया जाता है, सब लोग इसको क्या करते हैं, मानते हैं। कब आया था? 1957 में फोर्स में आया था। और जस्ट बिकॉज इसके बारे में कब से स्टार्टिंग हो गई थी इसकी प्रोसीजर, 1956 में, इसलिए इस एक्ट को क्या बोलते हैं हम, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 या प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम। अब मुझे क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को, और सिक्योरिटीज में जो अनडिजायरेबल इच्छा के अनुसार ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे थे, उनको क्या करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट बनाया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, जिसको रेगुलेशन, क्योंकि हम वर्क क्या कर रहे हैं, उसको रेगुलेशन का वर्क कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन एक्ट। प्रतिभूति बाजार के नियमन के संबंध में सर्वप्रथम वैधानिक उपाय 1925 में बॉम्बे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले उससे पहले भी कौन सा एक्ट था, ये हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की बात चल रही है ना, कि क्या बोल रहा है, 1925 को बॉम्बे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूप में लागू किया गया था। यह अधिनियम बम्बई शहर तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्षेत्र में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सौदों को नियंत्रित तथा नियमित करने तक ही सीमित था, क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज में पहले पढ़ चुके हैं कि जो पहले ट्रांजेक्शन्स होते थे वो कैसे होते थे, मैनुअल फॉर्म में होते थे, तो उसके लिए पर्टिकुलर उस प्लेस पे पर्सन को होना रिक्वायर्ड होता था, वो वहीं पे रहते थे। और हमने, जैसे मैंने बताया, मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अब उनको होना जरूरी नहीं है। तो पहले ये जो एक्ट बनाया गया था, बॉम्बे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1925, ये कहाँ तक सिर्फ लिमिटेड था, बॉम्बे तक, क्योंकि वो क्या करता था, उन्हीं के जो भी क्या होते थे, ट्रांजेक्शन होते थे सिक्योरिटीज के क्रय विक्रय, मतलब प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय सौदों को क्या करता था, नियंत्रित और नियमित करता था। फिर 1930 में विश्वव्यापी मंदी और उसके बाद के प्रभावों ने प्रतिभूति बाजार की कमर ही तोड़ दी। सामान्य निवेशक जनता की आलोचकों के कारण बम्बई सरकार ने 1936 में मॉरिसन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था, प्रतिभूति बाजार की क्रियाओं में सुधार हेतु विस्तृत समीक्षा करके उसके उपाय सुझाना था। फिर उस पे ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद 1948 में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने क्या किया, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर पीजे थॉमस की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई गई, जो भी ये क्या काम करती थी, जिसका उद्देश्य भी क्या था कि संपूर्ण भारत में, क्योंकि जो पहले एक्ट बनाया गया था 1925 में, वो सिर्फ बॉम्बे, मतलब कहाँ पे देख रहा था, जो बॉम्बे सिटी में जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, खरीदना बेचना या उनको कंट्रोल करना और रेगुलेट करना,
तो वो क्या कोशिश कर रहे थे कि जो भी हम एक्ट बनाएं वो एक्ट को हम क्या कर सकें, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो कर सकें। तो क्या बोल रहा है, 1930 में, फिर 1948 में भी एक ऐसी क्या बनाई गई, कमेटी या समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि प्रतिभूति के क्रय विक्रय के प्रभावी नियमन के संबंध में विधान बनाने हेतु एवं सुझाव देना था। फिर 1952 में भी एक क्या बनाई गई, एक नियमन के संबंध में मसौदा तैयार किया गया, एक समिति फिर बनाई गई, फिर उसमें एक बिल पास हुआ, फिर कहीं जाके 1957 में फोर्स में आया सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या बोल रहा है कि 1935 से 1925 से क्या हो गई थी, इसकी वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, उसके लिए बनाया गया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। क्या करना था इसका मेन जो वर्क था, वो क्या करना था कि जो सिक्योरिटी मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रेगुलेट करना और उनको कंट्रोल करना ऑल ओवर द इंडिया, मतलब ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि हम जो पहले एक्ट बनाए हैं उस सारे एक्ट में कुछ ना कुछ क्या थी, प्रॉब्लम्स थी कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही क्या थे, सीमित थे या लिमिटेड थे। उनके लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई क्योंकि इसको रेगुलेट करना बहुत ही क्या था, रिक्वायर्ड था, नेसेसरी था या जरूरी था। ये फोर्स में कब आया, देखो हमने देखा कि 1925 से इसकी प्रोसीजर स्टार्ट हो गई, बट ये 1930 में भी एक कमेटी बनाई गई, फिर 48 में बनाई गई, फिर 52 में बनाई गई, फिर 54 में भी एक कमेटी बनाई गई जो क्या करती थी, फिर इसके नाम का एक 54 में बिल पास हुआ। उसके बाद 56 में क्या बोला कि इसको क्या करेंगे, अब हम अनुपालन करेंगे, अनुपालन से संबंधित सारे काम कंप्लीट हो गए, इसलिए हमने इसको क्या बोला, 1956 एक्ट बोला है। पर ये फोर्स में कब आया, मतलब लागू कब से हुआ, 1957 में फरवरी 20 से, तो हम उसको क्या लिखेंगे, इट केम इनटू फोर्स ऑन फरवरी 20 1957। अब इसके बाद इसका क्या बोलना चाहिए, क्या होता है इसमें, हमने पहले देख लिया है वैसे, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना एवं उनकी कार्यकारिणी के नियमन के संबंध में यह अधिनियम तथा इसकी नियमावली प्रमुख है। SCRA, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसको बोलते हैं हम SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के में स्टॉक एक्सचेंज के नियमन की विस्तृत रूपरेखा बताई गई है कि इसको हमको कैसे करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। यह अधिनियम अंतर्निहित प्रतिभूति व्यवहारों के नियमन द्वारा अवांछित सौदों को रोकने के लिए है, मेनली ये किस लिए है, टू एनेक्ट टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ डीलिंग देयर इन। क्या बोल रहा है, जो भी क्या होते हैं अवांछित सौदे होते हैं उनको रोकने के लिए क्या बनाया गया है, ये एक्ट बनाया गया, कौन सा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, प्रतिभूतियों के लिए जो भी क्या बोलते हैं गलत तरीके से या अवांछित सौदे हो रहे हैं उनको हमें क्या करना है, रोकना है, और बाकी सारे काम को क्या करना है, जो वर्किंग है स्टॉक एक्सचेंज की वो प्रॉपर सही तरीके से क्या करती रहे, काम चलता रहे, उसको रेगुलेट करने के लिए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले देखते हैं तो इस अधिनियम में प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न शब्दों पक्षों तथा सौदों को परिभाषित किया गया है, कुछ परंतु कुछ आवश्यक व्यवहारिक शब्दों को ही चुना गया है। सबसे पहले अनुबंध, अनुबंध आप सबको पता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अनुबंध जो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के संबंध में किया गया हो। अगर हम किसकी बात करेंगे, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन में किसकी बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शंस सिक्योरिटीज के
ये किए जा रहे हैं उनके जो उनसे रिलेटेड है उनकी बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मीनिंग होगा अनुबंध का, ऐसा अनुबंध जो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के संबंध में किया गया हो। अब दूसरा वर्ड है सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां देखो, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर ब्रोक बुक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर कॉर्प बॉडी। कॉर्पोरेट बता रहा है, फिर बोल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं? ऐसी प्रतिभूतियां जो जनता से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा सृजित या निर्गमित की गई हो। मतलब कि जो क्या करती है, ऐसी सिक्योरिटीज जो क्या की जाती हैं लोन लेने के लिए जनता से, क्या पब्लिक से बोरो करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ऑब्जेक्टिव से क्या करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, वो क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सरकारी प्रतिभूतियां। अब सदस्य की बात करें, मेंबर की बात करें, सदस्य का अर्थ मान्य स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य से। अगर मैं बोलूंगी इसमें मेंबर, मतलब कौन, जो स्टॉक एक्सचेंज का एलिजिबल मेंबर है। फिर होता है इसमें ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, प्रतिभूति में विकल्प। प्रतिभूति में कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, हमने पढ़ा था तेजी होती है, मंदी होती है, कॉल होता है, पुट होता है। विकल्प का अर्थ प्रतिभूतियों के ऐसे अनुबंध से है जो भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारों के क्रय विक्रय के संबंध में किए गए हों। जैसे कि ऑप्शन, मतलब हम जितने तरीके से क्या करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तेजी की बात कर रहे हैं, मार्केट बहुत तेजी में है, मार्केट मंदी में है, मार्केट में हम क्या करें, पुट ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, जो भी हम क्या करेंगे इस तरीके से उसमें व्यवहार करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं सिक्योरिटीज में, उससे रिलेटेड जो भी होगा वो किस में आएगा, ऑप्शन ए कॉल में आएगा। फिर क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी, ऐसी स्कंध विपणी जो कि उस समय इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होगा, जो सेक्शन 4 में के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या हो, पहले से मान्यता प्राप्त हो। प्रतिभूतियां इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं, तो वो शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सब शामिल होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, हाजिर सुपुर्दगी के सौदे, ऐसे अनुबंध जिनमें शर्त हो कि वास्तविक सुपुर्दगी और मूल्य का भुगतान या तो प्रतिभूति के सौदे के दिन ही अथवा अगले दिन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं कि स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम क्या करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो जो हमने मेन ट्रांजेक्शन किया है तो क्या बोल रहा है, उसका पेमेंट या तो सेम डे होगा या तो उसके नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए, फुल मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड, इसी में एक और क्लॉज है कि डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूति के व्यवहार किए जाने की दशा में एक लाभार्थी स्वामी के खाते से प्रतिभूतियों का हस्तांतरण दूसरे लाभार्थी स्वामी के खाते में उसी दिन कर दिया जाएगा। फिर डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स में किसी भी प्रकार के बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, जोखिम पत्र जिनको बोलते हैं वो हो सकते हैं। एक ऐसा सौदा जिसका मूल्य किसी प्रतिभूति के मूल्य या सूचकांक मूल्य से उत्पन्न हो। ये सब क्या है, अगर मैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाऊंगी तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, मुख्य परिभाषा में बता रहा है, जो हम किस किसके कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हम सिक्योरिटीज के, मतलब हम किसी भी टाइप की प्रतिभूति को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके संबंध में बात कर रहे हैं। सरकारी प्रतिभूतियां जब सरकार क्या करती है, जनता से ऋण लेने के उद्देश्य से क्या करती है, कुछ प्रतिभूतियों को या कुछ सिक्योरिटीज को क्या करती है, इशू करती है। सदस्य जो स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होगा। प्रतिभूति में विकल्प, कौन कौन से विकल्प है, तेजी चल रही, मंदी चल रही, किस तरीके से उसको क्या कर पाएंगे हम, स्टॉप कर पाएंगे। ये सब क्या है, सिक्योरिटीज में क्या बता रहा है, डेरिवेटिव्स के बारे में क्या बता रहा है, पहले बोल रहा है सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सिक्योरिटी। किसकी बात कर रहा है, ये सदस्य की बात कर रहा है। पहले बता रहा था किसके बारे में,
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, फिर बोल रहा है सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सिक्योरिटी. फिर क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव्स कौन होते हैं, डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फ्रॉम द सिक्योरिटी यूनिट ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द कलेक्टिव स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच राइट और इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी. अब क्या पता करना है मुझे, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था हमको, क्या इसकी डेफिनेशन के बाद क्या देखना, पहले हमने हिस्ट्री देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा हिस्ट्री के बाद, फिर उसकी डेफिनेशन देखी, अब हम देख रहे हैं रिकॉग्निशन टू अ स्टॉक एक्सचेंज या जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता. एक स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दिए जाने संबंधी SCRA 1956 के विभिन्न प्रावधानों को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है. कौन कौन से शीर्षक हो सकते हैं, वो मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र देना, मान्यता की शर्तें, मान्यता की अवधि, फिर मान्यता का स्थगन या तथा रद्द करना, स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न प्रतिवेदन, निरीक्षण एवं जांच, वार्षिक प्रतिवेदन, स्टॉक एक्सचेंज के आंतरिक नियम, ये सब क्या है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें क्या बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट constituted for the purpose of assessing, regulating or controlling the business, buying, selling or dealing in security. Section 2J के according बता रहे हैं. फिर वही सारी चीजें बता रहा है कि क्या करता है, stock exchange perform a vital function in the economic activity of a country by encouraging people to save and invest. The stock exchange helps the capital formation which is essential ingredient for क्विकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्या करता है उसके बाद, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड्स दैट ओनली दोस स्टॉक एक्सचेंज विच आर ग्रांटेड रिकॉग्निशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फंक्शन इन इंडिया. नो पर्सन शैल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज और असिस्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग और बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज. क्या बोल रहा है, अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसके अलावा नहीं होना चाहिए. फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग इन एंटरिंग इनटू द परफॉर्मिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी. फिर देखो जो मैंने बताया आपको कि रिकॉग्निशन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोला कि क्या होना चाहिए, मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग मेथड, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड और टू मेक रूल्स, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बाय मेक बाय लॉ, पावर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू मेक और अमेंड बाय लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नॉमिनीज ऑफ सेवी ऑन गवर्नमेंट बॉडी. अभी इन्हीं को मैंने किसमें बताया था, हिंदी में बताया था आपको कि क्या क्या होना चाहिए, मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, उसकी शर्तें, उसकी अवधि, उस तक उसका स्थगित होना या रद्द होना, स्टॉक एक्सचेंज का प्रतिवेदन, निरीक्षण जांच, वार्षिक प्रतिवेदन, स्टॉक एक्सचेंज के आंतरिक नियम, इन सब के बारे में बता रहा है. सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता के लिए आवेदन पत्र, स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता के लिए आवेदन पत्र क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज अपने संगठन को मान्य कराना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र में केंद्रीय सरकार को आवेदन करना होगा. इस आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रपत्र, शुल्क तथा स्टॉक एक्सचेंज के आंतरिक नियम बाय लॉस की प्रति भी संलग्न करानी चाहिए. विशिष्ट विशेष रूप से निम्न संबंधों का नियमों में विवरण दिया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज की गवर्नमेंट बॉडी का गवर्निंग बॉडी का विधान, शक्तियां तथा इसके कार्य करने की पद्धति, स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों का अधिकार एवं दायित्व, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यता के नियम, सदस्यता की योग्यताएं, सदस्यता का स्थगन मतलब निकाशन कैसे होता है, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, साझेदारी की सदस्यता के नियम मतलब मुझे क्या करना है, रिकॉग्नाइज
स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता से मुझे कैसे मान्यता मिलेगी? तो क्या बोल रहा है, पहले हम एप्लीकेशन देंगे, तो एप्लीकेशन में ये क्या रहती है, संबंध में नियमों के संबंध में मुझे क्या करना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है। फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करना, केंद्रीय सरकार इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल के बाद संतुष्ट होने पर, निम्न शर्तों को पूरा होने पर क्या करती है, मान्यता प्रदान करती है। पहले मैंने क्या किया, एप्लीकेशन डाला। अब एप्लीकेशन डालने के बाद जब वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, उसमें सारी चीजों को क्या करेगी, चेक करेगी, और अगर वो सेटिस्फाई होगी तो ही वो क्या करेगी, आपको अप्रूव करेगी। तो क्या बोल रहा है, क्या क्या शर्तें हैं, सदस्यों की आवश्यक योग्यता की शर्तें जो हमने पहले भी पढ़ाई कि कौन कौन सी शर्तें होती हैं, सदस्यों के मध्य आपसी अधिकार तथा कर्तव्य निष्पादन हेतु अनुबंध की वाद्यता की शर्तें, स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बॉडी में सरकारी प्रतिनिधित्व की शर्तें, फिर इस तरह सामान्य जनता एवं प्रतिभूति व्यवसाय हित के स्टॉक एक्सचेंज की शर्तें। अगर ये शर्तें सही होती, वो सारी शर्तें पूरी करता है, तो क्या करता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसको मान्यता प्रदान करता है। मान्यता का स्थगन या रद्द होना, यदि कभी, मतलब क्या हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, यदि कभी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि जनहित में या व्यापार के हित में मान्यता स्थगित करना है अथवा रद्द करना आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकती है। इसके लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को ऐसा करने का कारणों को लिखित उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और कोई निर्णय लेने से पूर्व पीड़ित पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अगर वो क्या बोल रहा था कि जब वो सेटिस्फाई होगा तभी वो क्या करता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो उसको मान्यता नहीं देता, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसको मान्यता देगा, और अगर वो नहीं होता है तो क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है, लेकिन क्या होगा, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और जिसके अगेंस्ट किया जाएगा उसको अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विभिन्न प्रतिवेदन, प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को सेवी द्वारा मांगी गई विभिन्न सामयिक सूचना प्रतिवेदन जो गतिविधियों से संबंधित है निर्धारित प्रारूप में भेजना आवश्यक है। हमने जब सेबी पढ़ा था और स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि उसको क्या करने होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं वो लोग। तो क्या बोल रहा है कि जो भी उसने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो देना बहुत जरूरी है। सेबी व्यापार के हित में एवं जनहित में लिखित आदेश द्वारा स्टॉक एक्सचेंज अथवा सदस्य में उनके व्यवहार उनकी गतिविधियों से संबंधित लिखित जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है, समय समय पर क्रियाकलाप हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, जब कोई जांच चल रही हो तो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी सदस्य जांच अधिकारी के समक्ष मांगी गई सभी सूचनाएं तथ्य पुस्तकें स्पष्टीकरण पूर्ति के लिए बाध्य होंगे। क्या बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा विभिन्न प्रतिवेदन, वो स्टॉक एक्सचेंज उससे आपसे कभी भी, देखो उसने जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है आपको देना होगा, उसके लिए वो किसी पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है, और वो इंफॉर्मेशन मांगेगा तो आपको देने के लिए आप क्या रहोगे, बाध्य रहोगे, आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। कभी केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा जा सकता है, सेम वार्षिक प्रतिवेदन होता है, प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अपनी गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति एवं अन्य सूचना निर्धारित प्रारूप में भेजेगा। एक स्टॉक एक्सचेंज सदस्यों के मताधिकार के संबंध में निम्न मामलों में संशोधन तथा प्रतिबंध कर सकता है, कोई भी मामला जो उसके विचाराधीन हो केवल सदस्यों के मतदान पर निर्णीत होगा। मतलब उसको क्या करना है, पहले एप्लीकेशन भेजना है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा उन सब जो सारी सारी कंडीशन है आपने फुलफिल की, एक्सेप्ट हो जाएगा, कभी कुछ गड़बड़ हुई तो कैंसिल कर सकता है, और आपको बोलने का भी मौका दिया जाएगा। जो फिर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा विभिन्न प्रतिवेदन आपसे मांगे जा सकते हैं, केंद्रीय सरकार के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन मांगा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के नियमों का केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारण होता है। फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के अपने आंतरिक नियम कौन कौन से होते हैं, कि स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग का एक समय है, सौदों की निपटारी होती, क्लियरिंग हाउसेस हैं,
है ना, एक टाइम है कि 9:30 से, 9:30 से शुरू होगा, 3:30 पे खत्म होगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्लियरिंग सौदे की निपटारी है तो क्लियरिंग हाउस, आपको क्लियरिंग हाउस बनाना है कि एक दिन में खत्म करना है, कौन से स्टॉक्स एक दिन में होते हैं, कौन से एक अगले दिन तक ले जाए जा सकते हैं, ब्रोकरेज कितनी होनी चाहिए, स्वयं के खाते में वो क्या करेंगे, सौदे करेंगे, जॉबर्स और ब्रोकर्स को अलग अलग रखा जाएगा, सेटलमेंट के लिए एक उनके पास अलग से कमेटी होनी चाहिए, हमने डिस्कस किया था सेबी में, अगर ये सब नहीं होगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, नियम होते हैं, मतलब उसके लॉज होते हैं। ये सब हमने क्या पढ़ा, रिकॉग्निशन या मान्यता, स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता, ये सब उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम।